भारत की सभ्यता में, भारत के जीवन में, भारत की आजादी की आंदोलन में, भारत की लड़ाई में, भारत की कला साहित्य संस्कृति में बंगाल की स्थान सबसे ऊपर है। ये कहा जाता है जो बंगाल आज सोचता है करता है, देश उसको बाद में करता है, इसीलिए बंगाल को सोनार बंगला कहा गया है। मैं हल्दिया में रहा, हल्दिया के अंदर सेंचुरी के पहले, सदियों के पहले से हल्दिया हल्दी नदी और हुगली नदी के जो गंगा सागर पे मिलन होती है, उसी इलाका से भारत के लोग, बंगाल के लोग नौ वाणिज्य करने के लिए गए थे। दुनिया के लोग उसी रास्ते से भारत को भी आए थे, अंग्रेज भी आए थे। उसी के ऊपर हुगली नदी में आगे जाके कलकत्ता शहर तक पहुंचे थे। मित्रों, क्या संपन्न इलाका ये होता था। आजादी के बाद भी रिफाइनरी हो, फर्टिलाइजर फैक्ट्री हो, बिजली घर हो, वे पूर्व मिदनापुर तो बंगाल की अर्थनीति की मुख्य स्थान बना हुआ था। कहां गया वो बंगाल की अर्थनीति, कहां गया बंगाल की कारखाना, क्यों बंद पड़ा है, यहां की अभी चर्चा हो रही थी। नौजवान बंगाल छोड़ के बाहर जा रहा है, 15,000, 20,000, 25,000 इतना ही पैसे के लिए बूढ़े मां बाप को छोड़ के, जवान व्यक्ति अपने परिवार को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, आत्मीयों को छोड़ के, पत्नी को छोड़ के बाहर काम करने के लिए जाता था। अभी सोचने की समय आई है। जो बंगाल देश की अर्थनीति को संभाला था, वो बंगाल से नौजवान आज बाहर क्यों जा रहा है। परिवर्तन यात्रा की सभा में मैं आपको इतना ही पूछने आया हूं कि बंगाल के नौजवानों को बंगाल में रोजगार की व्यवस्था करना चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आप उत्तर दीजिए। मित्रों, रोजगार बंगाल में चाहिए कि नहीं चाहिए? बंगाल में ही नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर नौकरी रोजगार बंगाल में चाहिए तो लंबे समय तक वो बाम पंथ की सरकार हो या बुआ भतीजा की सरकार हो, बुआ भतीजा तो समझ ही रहे हैं आप लोग, क्या बुआ ने रोजगार कर दिया भतीजे के लिए, भतीजे ने बुआ के लिए गुंडागिरी करके रोजगार कर दिया, बंगाल की माताओं की क्या होगी, बंगाल की नौजवानों की क्या होगी, बंगाल के भविष्य का क्या होगा? मित्रों, इसी विषय का फैसला इस बार के चुनाव में होगा। आप लोगों के आशीर्वाद से 2014 में और फिर 2019 में देश की प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी नरेंद्र मोदी जी को मिला है। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, पूर्व भारत के विकास के बिना भारत में विकास की कल्पना करना उचित नहीं होगा। बंगाल से पूर्वोदय होगा, हल्दिया से पूर्वोदय होगा, रोजगार यहीं से होगी, तब जाके पूर्वोदय होगा। मित्रों, आपको पीसी वाला सरकार चाहिए ना रोजगार वाला सरकार चाहिए? आपको बेईमानों की सरकार चाहिए या ईमानदारों की सरकार चाहिए? क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? परिवर्तन करना पड़ेगा। परिवर्तन करेंगे? दोनों हाथ उठा के कहिए, परिवर्तन करेंगे। मित्रों, मेरे को पूरा विश्वास है पार्टी की ओर से इस जिले में जो रथ यात्रा चल रही है, जनसंपर्क चल रही है, बंगाल के परंपरा के हिसाब से इस जनसभा से आज अनेक मित्र, अशोक जी हो या मंडल दीदी हो या अन्य पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं,
अच्छे लोग बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, कलाकार ज्वाइन कर रहे हैं, खिलाड़ी ज्वाइन कर रहे हैं, समाज के अच्छे लोग बीजेपी में आ रहे हैं। मित्रों, जब बीजेपी बढ़ रहा है किसी को कष्ट भी हो रहा है। बताइए, स्वामी विवेकानंद बंगाल के गौरव है कि नहीं है? है कि नहीं है? स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? कौन थे? अरे जोर से बोलिए थोड़ा। राम का नाम जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? कोई बेइज्जती हुई? कोई बेइज्जती हुई? वो दीदी को क्यों मिर्ची लगी? ओ डर गया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वही तो बंगाल है। अब ये कहा जाता है कि ये माता, ये शक्ति पीठ है, कौन मना करता है? बिना शक्ति के भगवान है क्या? नहीं। बिना सीता की राम है क्या? नहीं। बिना शक्ति के शिव जी है क्या? नहीं। तो शक्ति और शिव, सीता और राम, ये तो दोनों ही रहते हैं। तो आपत्ति किस बात की है? मित्रों, अभी मौका आया है परिवर्तन करने का। जो लोग भारत को दुर्बल करना चाहते हैं भोट की राजनीति के लिए, बहुसंख्यक समाज की हितों को अनदेखा करना चाहते हैं, इस बार चुनाव में उनको जवाब देने की मौका आई है। मैं पूरा विश्वास रखता हूं ये यात्रा अभी सफल हो गई है। यात्रा अंतिम चरण में पहुंची है, चंद दिनों में चुनाव की घोषणा होगा। इस बार 16 की 16 सीट पूर्व मिदनापुर से चुपचाप नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, दिलीप घोष जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।